अक्सर खाना खाने के बाद पाचन के लिए मीठा खाने की सलाह दी जाती है। सौंफ और मिश्री, ये दोनों चीज़ें हर घर में मिल ही जाती है। इसका उपयोग माउथ फ्रेशर के रूप में किया जाता है। वहीं अगर हम सिर्फ मिश्री की बात करें तो इसके अनेक फायदे होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर आप इन फायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में मिश्री के ऐसे 7 फायदों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत काम आ सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। पहला फ़ायदा इसका यह है कि पाचन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए मिश्री का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको खाना देर से पचने की समस्या है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यह आपके पाचन क्रिया को मजबूत करेगा। दूसरा, अगर आपका मुंह दुर्गंध दे रहा है तो आप मिश्री और सौंफ को बराबर मात्रा में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं, इससे मुंह के दुर्गंध खत्म हो जाते हैं। गले में खराश होने पर मिश्री आपके लिए मददगार है। खराश होने पर मिश्री का पानी बनाकर पिए या फिर मिश्री को चूसें, इससे खराश तो दूर होगी ही, जुकाम भी कुछ हद तक कम होगा। टॉन्सिल्स का निराकरण भी मिश्री से किया जा सकता है। टॉन्सिल्स होने पर मिश्री को मक्खन और इलायची के साथ समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम खाने से लाभ होगा। पेट दर्द या डायरिया होने की स्थिति में मिश्री को नीम की पत्तियां के साथ मिलाकर खाना फायदेमंद होता है। इसके अलावा छाले होने पर मिश्री और इलायची का मिश्रण लगाने से लाभ होता है। अगर आपको साइनस की समस्या है तो 1 कटोरी पानी में 10 छोटी मिश्री, 10 काली मिर्च, 10 तुलसी के पत्ते और ज़रा सा अदरक डालकर उबालें। जब यह पानी आधा रह जाए तब इसे छानकर गुनगुना ही खाली पेट पिए, इससे साइनस की समस्या दूर होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बवासीर होने पर मिश्री को मक्खन और नाग केसर के साथ मिलाकर खाने से काफ़ी लाभ होता है। हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।